हमें लेनी पड़ेगी, प्लीज ये मेरी चॉइस है। सीमा संगीता तुम भी चुनो ना, कोई अच्छी साड़ी पसंद करो अपने लिए। और रचना तुम साली बनने वाली हो, तुम अपने लिए साड़ी पसंद करो। क्यों मम्मी, साली को लहंगा चोली पहनना अलाउड नहीं है क्या? हाँ वैसे वही तुम पर जचेगा। और अच्छी बात तो ये है कि कल लहंगा चोली वाला घर पर आ रहा है गुंजन की शादी का जोड़ा लेकर, तुम भी कुछ पसंद करके ऑर्डर कर देना। मम्मी हमने कहा ना हम तो लहंगा चोली पहनने वाले। अब हम चलते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। ठीक है बाय। अरे रचना बेटा एक मिनट, तुम्हें एक काम करना होगा, ये शादी के कार्ड छप कर आ गए तो कॉलेज में अपने और गुंजन के दोस्तों को बांट देना। हाँ हाँ मौसा जी दीजिए ना। गुंजन वेट्स आदित्य। अरे वाह कितना सुंदर कार्ड है, कहाँ से छपवाया? हमारे ना कजन की शादी आ रही है तो हम अपने मामा जी से कहेंगे कि वो भी इसी दुकान पे छपवा ले। जी ये पकड़िए आप, तब तक हम थोड़ी साड़ियां देख लेते हैं। ताई जी आपने सबके लिए साड़ी चूज की है, हमारे लिए नहीं की? नेवर माइंड, हम मयंक जी से कहेंगे वो हमारे लिए साड़ी चूज करेंगे। साड़ी चूज करवाइए प्लीज, बताइए हम पे कौन सा कलर सूट करेगा। चारू तुम पे तो सारे कलर सूट करते हैं, तुम कुछ भी पहन लो। अब मौसी जी आपने अपने लिए कौन सी साड़ी सिलेक्ट की है बताइए ना। अरे नहीं बाबा हमारे पास इतनी सारी साड़ियां पड़ी हैं, उनमें से ही कुछ चुन लेंगे। आ रही हो, पहले तुम अपने लिए देखो साड़ियाँ। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो चारू। हाँ हम चारू बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं बताइए ना। काट दिया, कौन हो सकता है? पता है कुछ साड़ियां ना पहनने के बाद ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये साड़ी तो हमें सबसे अच्छी लगी, देखो तो हमें लगता है कि सगाई के लिए तुम्हें यही पहनना चाहिए। एक बार पहनकर हमें दिखाओ ना, अभी इसी वक्त जाओ। अच्छा ठीक है। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बनके दिल खिले हैं, घुल रहे हैं रंग सारे, खुल रही है खुशबुएं। हंड्रेड परसेंट कंफर्म हो गया भाई, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं।
रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कंफर्म हो गया? अरे अब पहली ही बुझाते रहोगे, कुछ बताओगे भी? क्या कंफर्म हो गया भाई? मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव। मुझे रचना से प्यार हो गया। विहान को पहली बार किसी से प्यार हुआ है, एंड आई एम डैम श्योर इट्स ट्रू लव। इतना श्योर कैसे हो इस बार? ये तो पता नहीं भाई, मैं जब भी उसके पास होता हूं ना तो पूरी दुनिया खूबसूरत और हसीन दिखती है। और वो सबसे ज्यादा अचानक सब कुछ खिल सा जाता है। जब भी हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं ना तो दिल में हॉर्स रेसिंग होती है, दिल जोर जोर से धक धक करता है, एज इफ दिल में कोई लाउड स्पीकर बज रहा हो। आंखें बंद करता हूं ना तो मुझे उसी का चेहरा दिखाई देता है। रचना, गुंजन, भाई गुंजन आ गई। गुंजन कहाँ? यहाँ भाई, यहाँ आपके ख्यालों में। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मन में उसी की फिल्म चल रही थी ना? तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता हमेशा। अच्छी तरह से जानता है कि गुंजन मेरी स्टूडेंट है, बस और कुछ नहीं। उसके बारे में सोचना भी। कम ऑन भाई, रिलैक्स। प्यार में कोई स्टूडेंट कोई टीचर नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। बस विहान, आउट, दफा हो जाए यहां से। मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है, कॉलेज के लिए रेडी होना है। जाओ। अब तक यहीं खड़े हो? लेक्चर अटेंड नहीं करना है क्या तुम्हें? चलो जाओ। हाँ भाई जाना है जाना है, लेकिन उससे पहले आपको प्यार का लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, वरना एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। विहान बस भाई मेरी एक बात सुनो। सुनो, क्लियर भी हो सकते हो आप। एक सजेशन बहुत काम आएगा आपके। प्लीज भाई बात तो सुनो। देखो भाई, कम ऑन, गुंजन भाई, गुंजन से कह दीजिए, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी? कोई तो रास्ता होगा प्यार का इजहार करने का। डोंट वेस्ट योर टाइम। आई थिंक विहान यू आर राइट, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में आज भी मेरे लिए प्यार और लगाव दिखता है? क्या अपने दुख बांटना और उसे महसूस करना प्यार का दूसरा नाम नहीं है गुंजन? मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? आज हम सबको यह दिन देखना पड़ा, ऐसी क्या गलती हुई थी मुझसे? What am I doing? ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं गलत कर रही हूँ। No, ये सब कुछ गलत है। क्या गलत है गुंजन? Actually मैं बस अपने आप से कह रही थी कि ये सारी गलत है ना। I mean, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझ पे, है ना? क्या? Just look at yourself. कि तुम कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है। अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो then I'll keep it. Oh,
थैंक यू। क्या हो रहा है ये? हमारे यहां ये सब नहीं चलता। शादी से पहले लड़का लड़की अकेले में नहीं मिल सकते। बुआ जी मैं तो आप ही को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, वो तो मुझे ये मिल गई। वैसे बुआ जी अच्छा हुआ आप मिल गई, वो मुझे कुछ काम की बात करने थी। अच्छा? हमें उल्लू बना रहे हो इस उम्र में? अरे बहुत दुनिया देखी है, चलो भागो यहाँ से। अरे बुआ जी वो थोड़ी देर, भागो जल्दी। अच्छा बाबा नाराज मत हो, जाता हूँ। सुंदर लग रही हो बेटा, किसी की नजर न लगी। ये देख कैसा है? रुपेश खन्ना और उनका परिवार, ये लो ये सारे नाम है। इन सबके कार्ड तुम स्पीड पोस्ट से ही भेजें। वैसे तो हम सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता भी देंगे। जी भाभी, और इतने कम समय में यही अच्छा रहेगा। हाँ पर पीयू के यहाँ हम खुद कार्ड देकर आएंगे। हाँ भाई, पीयू के लिए तो तुम्हें खुद ही जाना होगा। अब दीदी, ये जो हमारा वो गोल्ड वाला सेट है ना, वो हम इस साड़ी के साथ पहने या इस साड़ी के साथ? अरे दीदी, आपकी साड़ी पे तो सिल्वर जरी का काम है, इसके साथ आप सोने का सेट कैसे पहनेंगी? सासू माँ, आप हमारा डायमंड वाला सेट पहन लेना, वो बहुत ही फैशनेबल है। ये ज्वेलरी आप अपने लॉकर में रख लेंगे? नहीं रहने दो, ये जानलेवा फैशन तुम्ही को मुबारक। और अपने गहने ना तुम अपने पास रखो और तुम ही पहनो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा हार हमारे गले के फांसी का फंदा बन जाए। और वैसे भी सबको बेवकूफ बनाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। इस घर में लौट आई हो ना, तो ये मत सोचो कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है या तुम्हें माफ कर दिया है। दीदी, आप हमें अपना वाला हार दे देंगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब चाहे ले लेना। लो हमारी ज्वेलरी, हमें क्या? अगर आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने का शौक है तो जरूर कीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता। अरे चारू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? यहां सब घर के ही है ना, कोई कोई बाहर का थोड़ी है। हाँ सब अपने, बस एक हम ही पराए हैं। आप भी अपनी माँ की साइड लीजिए, हमारी नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं है यहाँ। गुंजन की शादी है, जरूर आना। हाँ थैंक यू, थैंक यू, आना जरूर। हाय हाय रचना, गुंजन की शादी है, जरूर आना। हाँ ये लो वेडिंग कार्ड्स। ओ वाओ यार, नाइस कार्ड यार। ओ गुंजन को एनआरआई मिला? हाँ। ओह दैट्स ग्रेट यार, उसे हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां देना। अगर कांग्रेस कहना तो खुद ही आना पड़ेगा, हमारे पास तो बहुत काम पड़ा है। ओके पक्का आएंगे। संगीत में भी आना और मेहंदी में भी, ओके? भूलना मत। ये क्या बांट रही है? शादी का कार्ड। शादी? एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो रचना? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुम शादी कैसे कर सकती हो? मेरा हाल, मेरा फ्यूचर क्या होगा रचना? विहान, ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, उठ जाओ, सब देख रहे हैं हमें। ड्रामा? तुम्हें ड्रामा लग रहा है?
इसी कॉलेज की छत से कूद के जान दे दूंगा अपनी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रचना, तुम शादी नहीं कर सकती रचना, जब तक तुम मना नहीं करोगी ना मैं यहीं बैठा रहूँ। विहान, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस तुम्हें बकवास लग रहे हैं? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। I behaved badly with you. इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी। पियान, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, उठ जाओ। नहीं, जब तक तुम शादी कैंसिल नहीं करोगी मैं नहीं उठूंगा। पियान, हम शादी के लिए मना कैसे करें जब हम शादी कर ही नहीं रहे? क्या तो तुम शादी नहीं कर रही? तो कौन कर रहा है और मुझे शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया? इस पे जो लिखा है ना वो पढ़ो। गुंजन की शादी का कार्ड हमारा नहीं। गुंजन? और ये कार्ड ना तुम्हारे लिए। ओ थैंक यू सो मच। तुम देखना मैं क्या महफिल जमाऊंगा, तुम तो जानती हो मैं कितना अच्छा डांस करता हूं। तुम ना शादी में बिल्कुल मत आना। तुम्हें पता है ना तुम्हारा हमारे यहाँ ना अलाउड नहीं बैंड, इसलिए प्लीज बेकार में आकर तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। गुंजन। एनीवे मैं चलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो गया। तुम दोनों की क्लास नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, हम वहीं जा रहे थे, तुमने रास्ता रोक दिया। ड्रामे बाज कहीं के। चलो छाया। चलो विहान, क्या हुआ, क्या बताएगा भी? कुछ नहीं भाई, इसे क्या हुआ? मयंक। अरे बेटा किस बात के लिए बुलाया था बताओ ना, 10 मिनट से बिठा कर रखा है तुमने। माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। देखिए माँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको चारू के ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे देखना ही पसंद नहीं करती, लेकिन माँ आपको चारू को ऐसी खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, वो भी सबके सामने। माँ उसकी भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, आखिर उसके इस घर में कोई हैसियत है या नहीं, उसे ऐसे सब घर पे क्यों नकार रहे हैं? मयंक बेटा तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे? हमारी सोचो, कितने अरमानों से हमने तुम्हारी शादी की उसके साथ और उसने बदले में क्या दिया? जेल। हम सब पर झूठा आरोप लगाया उसने दहेज लेने का। तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि चुप रहे? बहुत बढ़िया बेटा, बस यही तो अपमान बाकी बचा था, वो तुम कर लो। अरे माँ इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं। देखिए माँ पुरानी बातों को कब तक कलेजे से लगा के रखेंगी, माफ कर दीजिए ना। देखिए माँ जब वो इस घर में रहने आई है, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि। अच्छा ठीक है, आप चारू को बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, तो फाइन मैं और चारू कहीं और जाके रह लेते हैं, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी।